जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इन लीप्स एंड बाउंड्स, इन लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना। दे आर प्रोग्रेसिंग इन लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगनी रात चुगनी यानी बहुत ज्यादा तरक्की करना। एट एन एक्सपोनेंशियल रेट, इन अ जिफी, एक लम्हे में। इट हैपेंड इन अ जिफी, इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, एक आंख के झपकने में, एकदम से। इन अ नटशेल, किस्सा मुख्तसर। Giving synopsis, giving summary, in a nutshell. In one's element, अपने element में होना, fit होना। जैसे हम कहते हैं ये player जो है, ये cricketer जो है इस वक्त अपने element में है, तो means he is in element, he is in his element, means that he is fit as fiddle. In shambles, के तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया, disordered. अल्लाह रहम फरमाए। In cahoots, इन कहूट्स होता है कि कोई गड़बड़ हुई और उसमें साथी था बंदा, कुछ गड़बड़ हुई और उसके साजबाज में वो भी साथ था। दैट्स इन कहूट्स, एक कॉन्स्पिरेसी में ही वाज़ द पार्ट ऑफ इट। द मैनेजर इज इन कहूट्स व्हेन इट वाज फाउंड दैट फ्रॉड हैड बीन कंडक्टेड। द मैनेजर वाज इन कहूट्स। इन द बैग, ये तो पॉकेट की बात है, ये तो हमारी जेब में है, दैट्स नो प्रॉब्लम, दैट्स इन द बैग। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, एक लम्हे में। इन अ जिफी, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। इन द ऑफिंग, जल्दी होने वाला है, इट्स एक्सपेक्टेड सून, सून इट इज गोइंग टू हैपन। इन द ऑफिंग, इन द सेम बोट, वी आर इन द सेम बोट, एक ही कश्ती पे सवार है, इन साथी हैं, एक जैसे हैं। Irons in the fire, irons in the fire के मतलब और भी हैं opportunities, there are plenty more irons in the fire, don't you worry, और भी opportunities हैं। Ivory tower, ivory हम कहते हैं हाथी के दांत को, tower हो गया एक हाथी के दांत का बना हुआ घर, जो इंतहाई महंगा होगा क्योंकि हाथी का दांत तो बहुत नायाब होता है, तो उसका घर मार्बल टाइप ना, मतलब बहुत महंगा। आइवरी टावर में बैठ के आप नहीं जान सकते कि गरीबों के क्या मसले हैं, हाउ द अदर हाफ लिव्स। सो दैट्स लाइक आइवरी टावर, मतलब है कि बहुत एक लग्जूरियस लाइफ में आप ये नहीं जान सकते कि गरीबों के क्या मसले हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, एक ऐसा बंदा जो कि अरफन मौला है, मल्टी स्किल्ड है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। ठीक है, हरफन मौला है लेकिन किसी एक चीज में भी स्पेशलिस्ट नहीं है, हर काम उसको बस थोड़ा थोड़ा आता है, परफेक्ट किसी एक में नहीं है। जेकल एंड हाइड, यानी कोई ऐसा बंदा जिसमें कुछ अच्छाइयां भी और कुछ बुराइयां भी है। जेकल एंड हाइड, जंप ऑन द बैंड वैगन, जो दुनिया यानी जो कामयाब है उसके पीछे पीछे लग जाना, जो कामयाब है उसके पीछे, अक्सर पॉलिटिशियंस में होता है, टर्न कोट टाइप बंदा, ही जस्ट जंप्स ऑन द बैंड वैगन, कि जो जो चल रही है, जिनकी वाबा हो रही है उनके पीछे पीछे लग जाना। जस्ट डिजर्ट्स, जस्ट डिजर्ट्स, जो ये सही हुआ किसी के साथ, डिजर्ट हम कहते हैं मीठे को, तो सही रिवॉर्ड मिला, जस्ट रिवॉर्ड फॉर एन एक्शन, दैट्स जस्ट डिजर्ट्स। कीपिंग अ वाइड बर्थ, तो एक डिस्टेंस रखना, कीपिंग एट आर्म्स लेंथ, यू नो टू बी एट आर्म्स लेंथ, keeping a wide berth, kise distance pe rakhna, keep one's distance bhi wahi hai, keep one's head above water, duniya mein apni saakh bana ke rakhna, logon ki nazron mein apne aap ko theek thaak rakhna, keep one's powder dry, daane sambhal ke rakhna, mushkil padegi nikalenge, mushkil waqt ke liye, you know, saving for rainy day, keep someone posted, update kisi ko dete rehna, latest information dete rehna, keep up with the Jonas's, मतलब लोगों के अंदर अपने आप को बना के रखना और अपनी लोगों की नजरों में अमीर शो करने के लिए, यू नो, यू कीपिंग अप विद जोनसेस, कीपिंग अप अपीयरेंसेस, ऊपर ऊपर से अपनी अपीयरेंस बना के रखना। की टू सक्सेस, कामयाबी की कुंजी, एजुकेशन इज की टू सक्सेस। नी जर्क रिएक्शन, ऑटोमेटिक रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस होना, होता तो मिसाल तो उसने मुझसे बुरा किया, नीचे रिएक्शन तो यही बना था, मैं उसको भी सब बुरा करता, लेकिन मैंने बहुत सबर किया,
किल द गूज दैट लेज द गोल्डन एग, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को यू नो लालच में आके उसको जबा कर दिया। नॉक ऑन द हेड के मतलब किसी को जरा रोक देना, रुको तुम यहीं पे, तुम बहुत सर पे चढ़ रहे हो। नॉकिंग ऑन हेड किसी को रोक देना। नॉक द स्पॉट्स ऑफ, जितने चैलेंजेस थे उनको सबको खत्म कर दिया, यानी जिसके साथ चैलेंजेस थे ना, मुख्तलिफ टीम्स मुख्तलिफ, उस सेंस में कहते हैं नॉक द स्पॉट्स, नॉक द स्पॉट्स ऑफ, सारे स्पॉट्स को फारग कर दिया। नकल डाउन, जुत जाना, लग जाना काम पे, यू नीड टू नकल डाउन ऑन दिस प्रोजेक्ट। नकल अंडर के घुटने टेक देना। लॉकिंग अबाउट के हॉर्स प्ले, उद्दम मस्ती करना हॉर्स प्ले, मेकिंग नो हेड और टेल ऑफ इट, कुछ तुक नहीं बन रहा। लीप ऑफ फेथ, अंधाधुंध एतबार, लेफ्ट हाई एंड ड्राई, बेयारो मददगार किसी को छोड़ देना। लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट स्पॉट्स, खसलत, इस बंदे की खसलत ऐसी है जो मर्जी आप कह लो, ही कैन नॉट चेंज हिज स्पॉट्स, ठीक है। लेंड अ हैंड, कुड यू लेंड मी अ हैंड, तुम मुझे हाथ बटा सकते हो इस काम में। लेट एस्ट्रे, भटक जाना। लेट अप द गार्डन पाथ, किसी को सबज बाग दिखाना, जन्नत के नजारे कराना या सबज बाग दिखाना। लीव इन द लर्च, किसी को छोड़ देना भी यारो मददगार, लीविंग इन लर्च। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, बहुत मेहनत करना। पुटिंग एवरी नर्व एंड स्न्यू, बर्निंग मिडनाइट ऑयल। लेट द कैट आउट ऑफ बैग, बिल्ली थैले से बाहर आ गई, द स्केलेटन इज आउट ऑफ कबर्ड। लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट, यानी कुछ ना करना और मुश्किल सर पे आई जा रही है, टू डू नथिंग। लिक समथिंग इन टू, यानी लिक होता है जबान, जबान से किसी चीज की शेप बनने का बहुत मेहनत करना, यानी बहुत मेहनत करना। लाइन इन द सैंड, के ये लाइन ड्रॉ की है, इससे आगे क्रॉस ना करो, एक लिमिट किसी के हाथ मुकर्रर करना। लाइन्स शेयर, बड़ा हिस्सा, डायरेक्टर्स का लाइन्स शेयर होता है कंपनी के प्रॉफिट्स में। लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, किसी बेवकूफ की जन्नत में रहना। लिविंग द लाइफ ऑफ रिले, बहुत पूरा सा जिंदगी में रहना, लग्जूरियस लाइफ। लॉक स्टॉक एंड बैरल, सारा का सारा, he had invested lock stock and barrel in business, at loggerheads, daggers drawn, लड़ाई के लिए तैयार, altercation, long in the tooth, long in the tooth, दाढ़ का लंबा होना, बड़ा बड़ी उम्र का होना, octogenarian type, बड़ी उम्र का होना, long and short of it, बात को लंबा करो या मुख्तसर करो, ये चीज इस तरह से है। look down upon others, किसी को नीचा दिखा देखना, कि मुझसे नीचे है और मैं superior हूँ, यानी किसी को अपने से इंफीरियर जानना। लुकिंग आफ्टर नंबर वन, हमेशा अपने इंटरेस्ट देखना, सेल्फिश होना। स्नेक इन द ग्रास, दैट ही जस्ट लुक्स आफ्टर हिज ओन इंटरेस्ट, ही फेदर्स हिज ओन नेस्ट, अपने घोंसले को ही फेदर करता है। लुक बिफोर यू लीप, सोच के मुंह से बोलो, लुक बिफोर यू लीप। लुक अप टू समवन, के काश मैं ऐसा हो जाऊं, लुक अप टू, ख्वाहिश रखना कि मैं ऐसा हो जाऊं। लूज एंड, He's at loose end, मतलब नौकरी नहीं है, He's at loose end, losing ground, के the losing ground like नकारा हो रहे हैं, fail हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं। lost sight of, I lost the sight of that castle, of that palace, तो मैं जब दूर गया तो मुझे वो नजर नहीं आ रहा था, नजरों से ओझल हो गया। lost one's bottle, boss, bottle जब lost होती है, बंदा कोई नशे में हो, होश ना हो, ठीक है, इन सिक्सेस एंड सेवंस, बुकलाहट का शिकार। मैड एज हैटर, एज मैड एज हैटर, बिल्कुल पागल होना, बीइंग क्रेजी, इनसेन। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, के यानी के मान जाना कि मेरा ये जुर्म है, कन्फेस करना। मेक अमेंड्स, चेंजिंग करना, अमेंडमेंट चेंजिंग करना होता है। मेकिंग बोथ एंड्स मीट, या मेक अमेंड्स ये भी हो सकता है कि बंदे ने से कोई गलती की, अब वो उसका थोड़ा कुछ भर रहा है कि मेरे से ये गलती हो गई। मेकिंग वो दो वक्त का गुजारा करना, मेक फन ऑफ अदर पर्सन, किसी का मजाक उड़ाना। मेकिंग गुड ऑफ समथिंग, के यानी वादे को पूरा करना। मेक वंस मार्क, अपन एक बाब रकम करना, एक अपना नाम पैदा करना। मेकिंग वंस मार्क, मेक द बेस्ट ऑफ थिंग्स, अच्छे तरीके से काम करना। मेक द माउथ वाटर, मुंह में पानी आना,
द फूड इज रियली डिलिशियस, इट इज मेकिंग माई माउथ वॉटरी, मेक नो बोन्स अबाउट, इसमें कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं है, इट्स सो सिंपल, सीधी सीधी बात है, इट्स रिटन ऑन द वॉल, मेक अप वन्स माइंड, अपना ज़हन बना लेना, मैन इन द स्ट्रीट, ले मैन, मिंस योर वर्ड्स, यानी मिंसिंग वर्ड्स मिन मिन करना, ईटिंग वर्ड्स होता है बात से मुकर जाना, मिंसिंग वर्ड्स क्लियर करके ना बोलना, बींग एम्बिगुअस, मिन मिन करके बोलना, क्लियर करके ना बोलना, माइंड वन्स पीज एंड क्यूज, तुम जरा अपने बिहेवियर को ठीक करो, माइंड वन्स पीज एंड क्यूज, लेट मी रिकॉल यू, माइंड योर पीज एंड क्यूज, माइंड वन्स ओन बिजनेस, तुम अपने काम से काम रखो, मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, मनी फॉर ओल्ड रोप, किसी चीज जिसको कोई उम्मीद नहीं थी कि उसे पैसा मिल गया, एक फजूल की चीज पड़ी हुई थी उस पर पैसा मिल गया, ठीक है, तो मनी फॉर ओल्ड रोप, मूविंग द गोल पोस्ट, खेमे उखेड़ने, मतलब कभी कहीं कभी कहीं, तो बंदा एक जगह टिक के काम ही नहीं करता, इज जस्ट ऑन गोल पोस्ट, चेंजिंग ऑन गोल पोस्ट, मोर देन वन वे टू स्किन अ कैट, और भी तरीके हैं काम को करने के, इट्स मोर देन वन वे टू स्किन अ कैट, मूवर्स एंड, ये तगड़े लोग हैं, मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ द सिटी, मूवर्स एंड शेकर्स, बिग विग, टाइकून, माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, एक छोटी बात का बतंगड़ बन गया, माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, छोटी बात का बतंगड़ बन गया, मम्स वर्ड, मतलब कुछ ना कहना, टू स्टे क्वाइट, मम्बो जम्बो, बोंगिया माना समझ ही नहीं आ रही, मेकिंग नो हेड और टेल ऑफ इट, मम्बो जम्बो कॉन्वर्सेशन, मर्फीज लॉ, अगर तुम अच्छा करोगे तुम्हें अच्छा मिलेगा, अगर बुरा करोगे बुरा ही मिलेगा, मर्फीज लॉ, जो करोगे बरोगे, वॉट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, माई लिप्स आर सील्ड, मैं कुछ नहीं बोल रहा मैं चुप हूँ, नेम इज मड, बेइज्जत हो जाना, लिक द डस्ट, एग ऑन फेस, बेइज्जत होना, ह्यूमिलिएटिंग, एम्बैरेसिंग, नेक ऑफ वुड्स, तुम्हारे इलाके में व्हाट्स हैपनिंग इन इन द नेक ऑफ योर वुड्स, या व्हाट आर द टाइमिंग्स ऑफ लोड शेडिंग इन द नेक ऑफ योर वुड्स, तुम्हारे इलाके में क्या है, नेस्ट एग, नेस्ट एग मतलब अपने उसके लिए पैसे सेव करना, निक ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम, जस्ट इन टाइम, 19 टू डजन, दर्जन के मुकाबले में, डजन दर्जन, दर्जन के मुकाबले में 19 करके हैंडल करना, यानी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन को अच्छे तरीके से निमट लेना, कि वो 19 टू डजन है, संभाल लेगा, निप इन द बड, बुराई को जड़ से खत्म कर देना, नो फ्लाइज ऑन समवन, कि कोई मक्खी नहीं है उसके ऊपर, यानी कि उसमें कोई मसला नहीं है, या नो फ्लाइज ऑन समवन, लाइक ही इज अ स्मार्ट पर्सन, ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, नो ग्रेट शेक्स, कोई खास चीज नहीं है ये, नो स्टोन, कोई स्टोन उसने अनटर्न नहीं रखा, बहुत मेहनत करना, पुट एवरी नर्व एंड न्यू, बर्निंग मिडनाइट ऑयल, No such things as free lunch. मुफ्ते में यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, give and take होता है, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, No free thing as lunch. Not even a sausage. Not even a sausage. Sausage कबाब को कहते हैं अंग्रेजी में, जो कबाब टाइप चीज होती है, तुम्हें तो इसका कुछ भी नहीं मिलेगा, नॉट इवन अ सॉसेज, कोई कबाब भी नहीं मिलेगा, दिस इज नॉट क्रिकेट, ये फेयर नहीं है, दिस इज क्रिकेट, दिस नॉट क्रिकेट, मतलब फेयर नहीं है, नॉट वंस कप ऑफ टी, ये मेरा, मैं नहीं कर सकता ये काम, Not my cup of tea. Like, ये चीज मैं नहीं कर सकता. Every now and then. अक्सर औकात. Every now and then. यानी कभी कभार, occasionally भी कह सकते हो. Null and void. बिल्कुल फारग हो गया, अब नहीं चलता. Off the cuff. एकदम से. Off the cuff. He gave the speech off the cuff. एकदम से उसने speech दी. Off and on. अक्सर औकात. Off form. कि form में नहीं है. He's off nowadays. Off your hands, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई. On a wing and a prayer. On a wing and a prayer. यानी कि एक चीज आप अल्लाह तवक्कल चल रहे हो, खुद तो मेहनत कुछ कर नहीं रहे. On the air, कि एक चीज हवा में है. Program is on the air. इसको भी हम कह सकते हैं. लेकिन ये भी है कि it's on the air, like कभी final नहीं हुआ. On the alert, सबको पता चल गया. On the cards, बिल्कुल होने वाला है. On the offing, it's going to happen soon. On the fiddle, के यानी fit होना और क्या. अच्छा, on the fiddle, sorry, मशकूक के sense में, fraud में मुलव्वस है. Grapevine, grapevine होता है अफवाइन. Grapevine in the office, अफवाइन. On the horns of dilemma, बहुत ज्यादा मुश्किल में.
गिरफ्तार होना, बैटिंग ऑन द स्टिकी विकेट, ब्लाइंड एली बंद गली, और बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, ऑन द लेवल अप टू द पार, अप टू स्का, अप टू स्क्रैच, अप टू लेवल, अप टू पार, यानी लेवल पर आना, स्टैंडर्ड पे आना, मेकिंग मार्क ऑफ समथिंग, ऑन द नोज, बिल्कुल ठीक, यू नो एग्जैक्ट बात की है तुमने, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, इन द निक ऑफ द मोमेंट, यानी एंड नक्के पे, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑन द ट्रेडमिल, ट्रेडमिल होती है जिसमें भागते हैं लोग, तो हर वक्त ये बेचारा बहुत मेहनत करता है, इज ऑलवेज ऑन द ट्रेडमिल, ट्रेडमिल, ऑन द वॉर पाथ, लड़ाई के लिए तैयार, daggers drawn, longer edges, on the war being furious, once in a blue moon, जिंदगी कभी कभार होता है ऐसे, हम कहते हैं कि चीज पे once in a blue moon ऐसे होता है, कभी कभार होता है, one fell swoop, एक झटके में, मतलब they won the match in one fell swoop, open one's eyes, आंखों का खुल जाना, to see the light, आगाही होना, out of sorts, fit नहीं है, out of question, ये इस बात की कोई क्वेश्चन ही बनता, आउट ऑफ वर्ड्स, मुश्किल से बाहर निकल आना, खतरे से बाहर निकल आना, ओवर एंड अबव, कि इससे बढ़ के है, जो मर्जी कह लो, एजुकेशन इज ओवर एंड अबव टू एवरीथिंग। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।